I'd like to call you on the way home. Another precious call to waste on my mouth. Okay. Finally. Anyways, guys, आज हम लोग वन अबव फिटनेस जाने वाले हैं चेस्ट मारने के लिए. ओरिजिनली आज बैक सब बैक होने वाला था बट मैंने वन अबव में ऑलरेडी बैक मार चुका है एंड आप लोगों ने टाइटल से समझ ही क्या रहेगा. वन अबव फिटनेस मुंबई का बेस्ट जिम है. आई वोंट से द बेस्ट जिम बट क्लिकबेट के लिए बोल रहा हूँ बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट जिम्स आई हैव एवर बीन टू. मैं और आर्या आज साथ में जा रहे हैं. आर्या मेन गेट पे खड़ा है. मेरे को मालूम नहीं मैंने कल रात को मेरी बाइक किधर पार्क की थी. आई फाइंड माय बाइक, आई मीट आर्या, आई कैच यू गाइस सीधा उधर के जिम में. आप लोगों को एक प्रॉपर जिम टूर दे दूंगा एंड आई टेल यू गाइस उधर जाके की व्हाट वी आर हिटिंग. मेरे को याद नहीं है की उधर कौन सी मशीन है बिकॉज द लास्ट टाइम आई वेंट देयर उधर मैंने बैक मारा था एंड मैंने चेस्ट की मशीन पे ध्यान नहीं दिया था. बोल भाई तेरा बैक स्टोरी बोल. मैं 10th स्टैंडर्ड हूं और मेरे पास एक मर्सिडीज है. जूते तो वैसे पहनता नहीं पर आज नहीं पहनता. एंड हम लोग आज फ्री ट्रायल के नाम पे आ रहे हैं राइट. एंड हम लोग यहाँ पे डेली पास 1500 का मालूम है. तो मेरे को लगा मैं जूते पहन के आया हूँ. अरे इसको जूते की पड़ी है. डेली पास 1500 का उतना हम लोग स्पेंड करने वाले थे नहीं. और मेरे को लेगेसी के लिए आज थोड़े फोटोज लेने हैं. मैंने बोला कि मेरा नाम सुनील है एंड इसका नाम अंशुल है. और ये बंदा पूरा बैक स्टोरी क्रिएट कर रहा है उसके कैरेक्टर के लिए. आई एम लाइक कि भाई हम लोग नाम हम लोग सिर्फ नाम मांगेंगे उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगने वाले. पुश में क्या क्या करना है? पुश में इंक्लाइन तो चाहिए. हाँ फिर इंक्लाइन स्मिथ लेते हैं. स्मिथ नहीं यहाँ पे कोई ना कोई मशीन से रहेगी ना. आई रिमेम्बर यहाँ पे फ्लैट चेस्ट प्रेस का मशीन था एंड देन यहाँ पे मैंने को ये वाला मशीन था फ्लाई के लिए राइट. यहाँ आज पूरा चेस्ट अच्छे से करते हैं. आज चेस्ट को दिखा दे हम कौन. अभी 3 बज रहे हैं. हम लोग सिर्फ चेस्ट मारने वाले थे बट यहाँ पे इतनी सारी मशीन है कि हम लोग पूरा पुश वर्कआउट मार रहे हैं. एंड कितने वेरिएशन हर मसल के. नहीं बोला तभी 4-5 हर मसल के कम से कम 3-4 वेरिएशन. 3 घंटे लगने वाले हैं. अभी 3 बजे हैं. लेट्स सी कि हम लोग जिम से कब तक निकलते हैं. व्हाट इज योर एस्टिमेशन? 4 घंटे. मेरा हाथ प्री वर्कआउट बाकी है. आई एम गोना हैव दिस. इसको थोड़ा देता हूँ. आई फ्रेशन अप. आई विल कैच यू गाइस वर्कआउट के. Don't look back, it ain't the past, no.
जस्ट अ क्विक ओवरव्यू आज के वर्कआउट का। हम लोग ने अभी तक चेस्ट की 3 एक्सरसाइजेस कर लिए, फ्लैट इंक्लाइन अभी तक नहीं किया बिकॉज इंक्लाइन की मशीन पे डेड्स पे आ रहा है। सो वी आर मूविंग दैट, वी हैव डन फ्लैट, वी हैव डन अ फ्लाई मूवमेंट। जो एक फ्लैट बेंच प्रेस की इधर जो मशीन है, इट इज इनसेन, लाइक नेक्स्ट लेवल का प्रेशर आ रहा है उस पर। बट अभी थोड़ा ब्रेक लेके वी आर कंटिन्यूइंग। हम लोग सिर्फ चेस्ट मारने वाले थे ना, आज क्या कर रहे हैं हम लोग फिर एट द एंड ऑफ द डे? पूरा पुश और पूरा पुल। लॉकआउट कर पास पे क्यों आता है तू हमेशा? सो वन ऑफ द बिगेस्ट गाइस जस्ट टॉक टू मी जिम में, एंड मैं बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। क्रश आ गया ना अर्जुन? आई नो भाई, शाहरुख मैं उसको बोलता हूँ भाई, फिजिक तकड़ा है। 5 घंटा वर्कआउट किया, 5 घंटा फुल बॉडी सब मशीन। अरे द थिंग इज मेरे को रात को बाहर जाना है इसके लिए। बाहर जा रहा हूँ रे, पार्टी वगैरह। कोई कौन से बाहर? अरे बाहर नहीं, अरे ओ माय गॉड, ये जिम में जाके मेरे को ऑर्गेज्म आ गया। वेट व्हाट? बट ऑनेस्टली यार, टू गुड वर्कआउट। एक तो मैं दोपहर को उठा हूँ अराउंड 1:37, तो इसका मैसेज आया कि 2:30 को वर्कआउट करना है। आई ओनली हैड प्री वर्कआउट और एक स्कूप ऑफ वे। मैंने केला खाने वाला था, हैशटैग केला गाय, बट मैंने केला खाया नहीं बिकॉज पकेट यार मेरा मूड नहीं था एंड मैं थोड़ा काम कर रहा था राइट एएसयू के रिगार्डिंग। So, अभी वेदर अमेजिंग है, तू खाने चल रहा है? मैं जो खाने जा रहा हूँ, पर मैं शॉर्मा नहीं खा सकता रही। मैं भी शॉर्मा नहीं खा रहा हूँ, आई एम हैविंग ओपन ओनली चिकन। ओपन तो उसके लेग्स क्लोज करने पड़ेंगे ना। अरे हाँ, मैं तेरे को ब्लॉक कर दूंगा, मैं कसम से तेरे को ब्लॉक कर दूंगा। चलो भाई बोलू रे, ये सेकेंड टेक है क्योंकि भाई ने रिकॉर्ड का बटन दबाया नहीं था। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हम लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड। हम लोग अभी जहाँ पे गए थे उधर इतने यूज लोग थे। वापस से वर्कआउट की क्लिप जाके देखो, उसमें इतने यूज लोग पीछे देखेंगे। उधर पीपल वर ऑन टेस्ट, पीपल वर ऑन TRT, वो देख के बहुत बुरा लगा। एक बंदा तो हम लोगों को मिला जो फेक नाइटी क्लेम कर रहा था, वो थोड़ा बियर्ड लग रहा है बिकॉज उसके डेल्ट से वेन्स बाहर आ रहे थे एंड वो नेचुरली होता है नहीं। तो हम लोग ने 1.5 घंटा वर्कआउट किया, इट वॉज अ गुड वर्कआउट एंड देन वी जस्ट लेफ्ट। अभी पोस्ट वर्कआउट मील खा के आई एंड द ब्लॉग यहाँ पे। आते हुए ना 15 मिनट आए गाड़ी से, साइकिल बाइक पे 15 मिनट हम लोग शांत थे। जाते टाइम कितना बात कर रहे थे, आते टाइम शांत कि भाई ले तू पकड़। बट या एनीवेज गाइस, आई विल कैच यू गाइस बाद में, आई विल सी यू नेक्स्ट वीकेंड ये सेम टाइप ऑफ वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीकेंड कहाँ पे जा रहे? राइनोज अंधेरी। राइनोज जम जाने वाले? नहीं नहीं, खाने के। राइनोज जम अंधेरी, आई विल कैच यू गाइस वहाँ पे। अंटिल देन स्टे रिलेंटलेस बिकॉज दिस इज आवर टाइम। चीयर्स।